बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं दम का खीमा बना रही हूँ, देखिए बता रही हूँ आप लोगों को। वो खीमा है, प्याज है, टमाटे है, ये दही है, गरम मसाला, खोपरा, फली, नींबू, मिर्ची, अदरक लहसुन, हल्दी, नमक, खसखस, कोतमीर, हरी मिर्ची, 6 हरी मिर्ची है, पुदीना। अब पीसती हूँ, देखिए आप लोग, ये मसाला मैं पीस लेती हूँ, पीस रही हूँ, आप देखिए आप लोग। खसखस पीस लेना, उसके बाद खोपरा फली डाल के पीसना, पूरा पीसे बाद बताती हूँ आप लोगों को मैं। अब पीस लूँ, देखिए मैं पूरा एक जगह डाल के खसखस कई को पहले पीसी, बोले तो बारीक रहती पर जल्दी नहीं पीसे जाती वो खसखस। खसखस पीसे बाद क्या कर रहा हूँ, फली खोपरा सब डाल दे के पीस लेना। इसमें दही भी डाल रही हूँ मैं, दही अलग अलग फुटर फुटर दिखता ना, तो पूरा वो पीस लिया। अब नमक मिर्ची सब दम के खीमे में क्या है, पूरा मिला के अपन लोग बघार ले सकते हैं उसको, पूरा डाल देना पूरा। तो अब मैं पूरा इसमें जग में डाल ले रही हूँ, देखिए मिक्सर के पूरा अदरक लहसुन से बघार लेती हूँ मैं, मिर्ची से बघार ले सकते। तो एक बार मार लेके खीमा डाल रही हूँ, देखिए खीमा इसमें अपन दूसरे में भी डाल के मिला ले सकते हैं, माँ ख़राब होते दूसरे चीज़ों बोल के मैं इसमें डाल के मिला ले रही हूँ। दम का खीमा अच्छा रहता तो एक अपन काम भी गए करे तो भी 2 दिन 3 दिन 4 दिन भी रख सकते, इसमें दही नींबू और डालते ना तो बहुत मज़े का रहता। तो मैं बघार लेते खुद बता रही हूँ आपको, तेल तो अपने हिसाब से डालना, तेल नहीं बता रही आप लोगों को, कौन ज़्यादा खाते कौन कम खाते बोल के मैं 2-2 चम्मच ऐसा मैं डाल के बता रही हूँ, मैं हम लोगों के हिसाब से डाल के बता रही हूँ आप लोगों को। ऐसा अदरक लहसुन से उसको बघार लेना पूरा, उसमें डाल ले सकते ना आप लोग। तो मैं इसमें ये करें हरी मिर्ची भी डाल के, आप पहले अदरक लहसुन भी उसमें भी डाले तो भी फ़र्क नहीं पड़ता उसमें मसालों में वो है, मैं तो इसमें ऐसा डाल के बघार रही हूँ। कहीं को बोला तो अदरक लहसुन की बो आती बोल के, देखिए खीमा पूरा मैं उसके अंदर डाल के ऐसा बघार लेती हूँ पूरा। तो ये दम का खीमा बहुत मज़े का रहता, अपन काम भी गए करे तो भी ऐसा मतलब बना के फ्रिज में भी रखे तो अपने के इमरजेंसी में काम, 8 दिन फ्रिज में रखे 10 दिन भी खा सकते हैं दम का खीमा। टमाटे भी डाल रही हूँ, देखिए मैं टमाटे बहुत जने डालते नहीं डालते, मैं तो डालती हूँ, बहुत मज़े का होता। टमाटे रहते इसमें, दही रहता और बोले तो अपना नींबू रहता, सब अच्छा रहता दम का खीमा बनाए तो। तो मैं प्याज अपन बिरयानी की प्याज कैसा तल लेते वैसा तल ले के दम पे डालना उसके ऊपर, तो बहुत मज़े का रहता ये, तो मैं भी अच्छा रहता समझो। तो वो हिसाब से मैं आप लोगों को बता रही हूँ, आप लोगों को खुला खुला बताई ना क्या क्या डालना उसके अंदर। तो अच्छा भून लेना इसको, दम पे रख के अच्छा भून ले के क्या करना, थाली ढाप देना समझो। मैं मिलाती हूँ, अच्छा मिलाई तो क्या है बहुत पूरा अपने कुढ़ाई तो सो पूरा अच्छा हो जाता। गरम मसाला डाली, देखिए इसके अंदर मैं गरम मसाला डालते सो बता रही हूँ आप लोगों को, बहुत टेस्टी बहुत मज़े का रहता है दम का खीमा। अपन ये खीमा क्या करना, रोटी पे भी डाल सकते ये खीमा, अपन रोटी बनाते ना तो काम भी सफ़र में हो गया, खुद रोटी के ऊपर भी अच्छा रहता। पुदीना, हरी मिर्ची, फिर बोले तो कोतमीर वो डाल रही हूँ, देखिए बन गया, थोड़ी देर में बन जाता, आप लोगों को निकाल के बताती हूँ इसके ऊपर दम की कितना मस्त और कैसा दिख रहा है। देखिए दम का खीमा मैं हम लोगों के हिसाब से बना के आप लोगों को भी वीडियो डालना बोल के बना के बता रही हूँ। ये देखिए बन गया, आप कैसा मस्त दिख रहा है, देखिए तेल छोड़ता है इसके अंदर, तेल प्याज का भी रहता ना कम डालना, मैं नींबू डाल रही हूँ, देखिए प्याज अपन लोग तल लेते ना तो उसका भी तेल छूटता, तो मैं ज़रा ज़्यादा होगा तेल वो हिसाब से मेरे को, ये होता अपने हिसाब से डाल लेना, तेल दिख रहा देखिए ज़रा ज़्यादा होगा मेरे को, ये क्या मस्त है। देखिए लाइक करिए आप भी, फराना कुकिंग चैनल को शेयर करिए, देखिए आप लोग भी बना के।